अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे युसरा, वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अम्मी कैसी हैं? वो भी ठीक है। कोई रुका है उनके पास? नहीं आंटी, वो मैनेज कर लेंगी। बेटा, उनका अकेला रहना मुनासिब नहीं है। अब क्या करें आंटी, मजबूरी है। तुम लोग जाओ, रेस्ट करो, थके हुए होगे। मैं तुम लोग के लिए चाय भेजती हूँ। सो गुड टू सी यू। तेरा शुक्रिया मिया। युसरा, युसरा तुम जब चाहो अपनी अम्मी के घर जा सकती हो। लेकिन मुझे जब भी जाना होगा मैं आपके साथ ही जाऊंगी। कि तुम्हारी अम्मी समझेंगी कि मैं नहीं चाहता कि तुम आ जाओ। मुझे भी ऐसा लगता है। तुमने मुझे मेरे पूरे पास के साथ एक्सेप्ट किया है, उसूलन तो मुझे भी तुम्हारे पास से कोई इतराज नहीं होना चाहिए। आपने मेरे पास्ट के बारे में ऐसा क्या जान लिया? वही जो सब जानते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो नहीं जानती हूँ जो आप समझ रहे हैं। ये बात साइन की तो वो मेरे पास्ट का ऐसा हवाला नहीं है जिससे मुझे कोई शर्मिंदगी है। नहीं नहीं प्लीज, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। शर्मिंदगी तो मुझे है। उस दिन हालात ऐसे पैदा हो गए, मम्मी को इतना बड़ा जज्बाती फैसला करना पड़ा और कुर्बानी तुम्हें देनी पड़ी अपनी मोहब्बत की। कि मुझे इस बात का दुख नहीं है। और साइन, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कबूल कर लेगा। कबूल किया तो नहीं है ना, इसीलिए तुमसे मिलने चला आता। सिर्फ आखिरी बार आया था मिलने के लिए, आज के बाद कभी नहीं आएगा। आप एक्सक्यूज मी। बेटा, मैंने प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लिया है। अब तुम्हारी अम्मी को अकेले नहीं रहना होगा। क्या मतलब? ये देखो, मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि वो यहाँ आ जाती, लेकिन वो मानी नहीं। लेकिन उनका भी कहना ठीक है, हमारी जो मुलाजमा नहीं है बरसों पुरानी है, एतबार की है। उसकी छोटी बहन बेवा है, उसी के साथ रहती है। उससे मैंने भी फोन पे बात की, वो राजी है तुम्हारी अम्मी के साथ रुकने के लिए। थैंक यू सो मच आंटी। नो प्रॉब्लम बेटा। अब तुम मम्मी को फोन करके बता दो कि ड्राइवर आज ही साजदा को उनके घर छोड़ देगा। चलो उनको फोन करके बताते हैं, ठीक है? मैंने कल से आपको मैसेज किया हुआ है, आपने जवाब नहीं दिया। मैं आज सारा दिन आपका इंतजार करती रही लेकिन आप नहीं आए। रॉबी, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, मेरी कुछ मजबूरी है, कुछ प्रॉब्लम है। मैं हर वक्त तुम्हारी कॉल अटेंड नहीं कर सकता, मैसेजेस के जवाब नहीं दे सकता। तो ठीक है, मुझ पर इतना एहसान ना करें कि आपने मुझे यहाँ पर पना दे रखी है। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तुम पागल हो गई हो, कहाँ जाओगी तुम? अगर आपके लिए मेरी कोई अहमियत नहीं है तो फिर आपको इस बात की भी फिक्र नहीं होनी चाहिए। बेवकूफी की बातें मत करो मुझसे, तुम कहीं नहीं जाओगी यहाँ से। अगर आप आज नहीं आएंगे तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। और आप ये बात जानते हैं कि मैं अपनी बात की पक्की हूँ। अभी डोंट बी स्टूपिड, मेरी बात सुनो। हेलो हेलो, फारिस तुम यहाँ खड़े हुए हो बेटा? मैं तुम्हें पूरे घर में तलाश कर रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे क्यों ढूंढ रही थी आप? Is everything okay? Are you fine? I'm fine. क्या हुआ है? अच्छा, मैं ये कहने आई थी तुम युसरा से कहो तैयार हो जाए, तुम उसे डिनर पे ले जाओ, शॉपिंग कराओ, टेक हर आउट। बेटा आते ही वो कमरा सेट करने में लगे, तुम यहाँ खड़े बातें कर रहे हो। ओके फारिस, ओके गुड बॉय। तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना है। जी जिसरा, तुम रेडी है ना? मैं बस दो मिनट में एक छोटा सा काम करके आ रहा हूं, ठीक है?
आ गए आप? अगर आप ना आते तो चली जाती मैं यहाँ से। इस जगह से ज्यादा तहफ्फुज़ तुम्हें और कहीं नहीं मिल सकता। मुझे तो यूं लगने लगा है जैसे आपने मुझे मेरे किए की सजा देने के लिए कैद कर रखा है यहाँ पर। अगर तुम्हारी गलती की सजा देता तो जान से मार देता तुम। जान से ही तो मारे हारिस, एक चांस दे दे मुझे, एक चांस कि मैं अपनी गलतियां सुधार सकूं, हजाला कर सकूं अपनी गलतियों का। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका हजाला आप जिंदगी भर नहीं कर सकते। मैं जानती हूं कि मेरी गलती बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे इस चीज का भी अंदाजा है कि आपका दिल भी बहुत बड़ा है। ऐसी बातें तो पहले भी बहुत सुनी है तुमसे। माफ कर दे मुझे, मुझे अपने दिल में जगह बनाने दे, ना ले मुझे फारिस। मैं आपके मामा के पांव पड़ जाऊंगी, तब तक सर नहीं उठाऊंगी जब तक वो मुझे माफ नहीं कर देते। ये सब इतना आसान नहीं है। तो साफ साफ कह देना कि आप ऐसा चाहती ही नहीं है। खत्म होगी वो मोहब्बत जिसके आप दावे करते थे। जिससे मोहब्बत की थी मैंने वो बेवफा नहीं थी। करूंगी वफा, हमेशा आपसे मोहब्बत निभाऊंगी, करूंगी वफा। अगर अपने आपके एतबार के काबिल नहीं रही ना तो फिर मुझे आपके एहसान भी नहीं चाहिए। जा रही हूं मैं अपनी अम्मी के घर, माफी मांगूंगी, उनके पांव पड़ूंगी, उधर ही मर जाऊंगी, लेकिन कभी उस घर से बाहर नहीं निकलूंगी अब दोबारा। फारिस, अगर आप मुझे अपना नहीं सकते तो उम्मीद से इजाजत ले दें कि मैं अपने घर वापस जा सकूं। मैं अब इस कैद में और नहीं रह सकती, सारी सारी रात डरती रहती हूँ, पूरा पूरा दिन खुद से बातें करती रहती हूँ। मैं आजाद होना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ फारिस, खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ फारिस, माफ कर दे मुझे, एक तो वो माफ कर दे प्लीज। मैं करता हूँ आंटी से बात।